झांसी में 11 साल की मासूम छात्रा के साथ रेप करने वाले दोषी शिक्षक कैलाश नारायण तिवारी को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैसले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ने तख्त टिप्पणी भी की, कहा कि एक शिक्षक होते हुए दोषी के मात्र 11 साल की मासूम छात्रा के साथ घृणित अपराध किया है। एक ओर जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान के माध्यम से लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक ने ऐसा घृणित अपराध कर गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। इससे न केवल पीड़िता की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है बल्कि उसका मानसिक व व्यक्तित्व विकास भी प्रभावित हो सकता है। दोषी ने गंभीर अपराध कारित किया है, उसके द्वारा कारित अपराध अक्षम्य है, वह किसी प्रकार की उदारता का पात्र नहीं है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि पीड़िता वरुण सागर के फूल कुंवर चतुर्वेदी गायत्री शिक्षा विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ती है। बरुआ सागर के माधवाना मोहल्ला निवासी कैलाश नारायण तिवारी विद्यालय का प्रबंधक था और बच्चों को पढ़ाता था। वह छात्रा को स्कूल में अकेले कमरे में ले जाकर उससे छेड़खानी करता था। घर पर किसी को कुछ बताने पर मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी देता था। 19 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन में कैलाश पीड़िता के घर पहुंच गया और पीड़िता को ट्यूशन भेजने की बात कहने लगा। माँ ने ट्यूशन जाने के लिए कहा तो छात्रा रोने लगी और आप बीती बताई। पिता की तहरीर पर 28 अप्रैल 2020 को केस दर्ज हुआ। 28 मई में तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कैलाश नारायण को दोषी मानते हुए सजा सुना दी। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में उम्र कैद एवं 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं आईपीएस की धारा 506 में 2 साल का साधारण कारावास और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट।